हे गाइस, वेलकम टू स्टडींग रीव। सो इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPR भी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। सो बेसिकली जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, ये एक मैनेजमेंट की अप्रोच है जिसके अंदर रीडिज़ाइन करा जाते हैं बिजनेस प्रोसेस को, ताकि जो भी कंपनी है वो अपने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स को कर सके। ठीक है, अगर उसे एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो वो कर सके, इफेक्टिवनेस को क्रिएट कर सके अपनी कंपनी के अंदर, एंड जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको ईजिली अच्छे तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंपनी अचीव कर सके। जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, ये बिल्कुल फ्रेश मेकओवर दे देता है बिजनेस को, किसी भी कंपनी को, जिस तरीके से कंपनी को ऑपरेट करना चाहिए एक्चुअल में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नाउ BPR में क्या होता है, बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो एक स्टेप बैक लेती हैं, पीछे एक स्टेप लेती हैं, एंड उसके बाद वो अपनी करेंट प्रोसेस को ओवरऑल इवेल्युएट करती हैं, समझती हैं ऐसे एरियाज़ को जहाँ पे वो इनइफ़िशेंट हो रही हैं, जहाँ पे उनकी इम्प्रूवमेंट की नीड होने लगती हैं। ठीक है, अगर वो कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी को कर रही हैं अप्लाई अपनी कंपनी के अंदर जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो उसको कंपनीज़ रिमूव करती हैं। बेसिकली बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने से कंपनी का मेन पर्पस, मेन गोल होता है कि कंपनी अपने बारे में रीथिंक कर सके, कंप्लीटली डिज़ाइन को चेंज कर सके, रीडिज़ाइन कर सके। ठीक है, स्क्रैच से अपनी कंपनी को अच्छे तरीके से कर सके, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके, इनोवेशन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर सके, एंड जो ऑपरेशन है उसको स्ट्रीमलाइन तरीके से कर सके, ताकि बेटर रिजल्ट कंपनी को देखने को मिले। नाउ अब पढ़ते हैं कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप होते हैं डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क। सेकेंड, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। थर्ड, स्टडी द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। फोर्थ, फॉर्मुलेट अ रीडिज़ाइन बिजनेस प्लान। फिफ्थ, इम्प्लीमेंट द रीडिज़ाइन प्लान। इन सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सो स्टेप नंबर वन कहते हैं डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क, यानी कि इसके अंदर बेसिकली कंपनी को अपने गोल्स को स्टैब्लिश करना चाहिए, अपना फ्रेमवर्क बताना चाहिए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने का। इसके अंदर कंपनीज ये डिटरमाइन करती है कि उन्हें एक्चुअल में किस चीज़ को अचीव करना है, एंड उसके लिए वो पर्टिकुलर डायरेक्शन को सेट करती हैं, ताकि वो ईजिली रीडिज़ाइन कर सकें। सेकेंड स्टेप इज़ आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। इस स्टेप के अंदर कंपनी ये समझने की कोशिश करती है कि उनके कस्टमर की एक्चुअल में नीड क्या है, क्या है जो उनके कस्टमर कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो इनसाइट गेन करने की कोशिश करती हैं रिलेटेड टू द प्रेफरेंस एंड चॉइसेस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, एंड उसके बाद जो कंपनी होती है वो कोशिश करती है अपने कस्टमर को बेटर सर्व करने की। थर्ड प्रोसेस इज स्टडी द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर कंपनी थ्रोली एनालाइज करती है एंड पूरी चीज़ों को इवेल्युएट करती है जो भी प्रोसेस का वो करंट में यूज़ कर रही होती है। ये जो प्रोसेस होते हैं ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, इस चीज़ में हेल्प करता है कंपनी की कि कंपनी अपनी आसानी से इनइफिशेंसीज को आइडेंटिफाई कर पाए, अगर कोई भी बॉटल नेक्स है, कहीं पर भी कोई भी लिमिटेशन, कमी लग रही है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाए, एंड कंपनी इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्चुअल में कंपनी को कहाँ पर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की नीड है। स्टेप फोर्थ इज फॉर्मुलेट अ रीडिज़ाइन बिजनेस प्लान। इस स्टेप के अंदर जो कंपनी होती है उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है अपने पूरे प्रोसेस की, एंड यहाँ पर अब कंपनी रेडी हो जाती है अपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को डेवलप करने के लिए, ताकि कंपनी रीडिज़ाइन कर सके। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, आउटलाइन करती है, सारे चेंजेस को समझती हैं, सारी इंप्रूवमेंट्स को लेती हैं, ताकि कंपनीज जो हैं वो अपने अचीव कर सकें ऑब्जेक्टिव्स को। फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंट द रीडिज़ाइन प्लान, यानी कि फाइनल स्टेप में क्या होते हैं, जो भी कंपनी ने अपना रीडिज़ाइन प्लान बनाया होता है उसको कंपनी एक्शन में लाती है, उसको रियलिटी में करती है। इसके अंदर कंपनी सारे चेंजेस को एग्जीक्यूट करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई सिस्टम्स को लेकर आती हैं, एंड इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि हर एक पर्सन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो रीडिज़ाइन करने में अलाइन हो, रीडिज़ाइन करने में कंपनी की हेल्प करें विद द रीडिज़ाइन प्रोसेस।